चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को और हायर लेवल पर ले जाने के लिए कुछ समय और लगेगा, उसके लिए ज़मीन का आवंटन हुआ है और ज़मीन के आवंटन के साथ साथ उसमें शिफ्ट होगा, उसमें तो कई साल लगेंगे। लेकिन अभी जो ये व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। और इसके अंदर जो प्रशासन की जो रीच होनी चाहिए सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट्स पर, सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस पर, उस रीच को पूरा करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो सरकार के द्वारा लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बिल्कुल स्पष्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि इसका जो फेज़ टू है उसको जितना जल्दी हो सके लेके जाए, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को कैसे दूर करना है, कैसे उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, उस पर बात हो गई। और अभी मैं अनुरोध करूंगा आप ईआरएसएस पर अभी टूर पे भी जाएंगे, ईआरएसएस की पहले बात कर लें, फिर और बात होगी। सर सवाल यह है कि सर बिहार